हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत विक और ये वीडियोस आप तक लेकर गए हैं बीएससी आईपीएफ। और आज हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट एक इन्वेस्टर्स कैसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट है mfiindia.com। और ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक एसोसिएशन है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि हमारे इंडिया में सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। वो 40 से ज़्यादा कंपनीज हैं एंड इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एसोसिएशन का काम है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है हमारे प्रोफेशनल और एक एथिकल लाइंस और एक अच्छे हेल्दी स्टैंडर्ड्स के साथ काम करे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और यूनिट होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए चले। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स यूनिट होल्डर्स, टू मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सेकंड है कि ये सेबी को अपने जितने भी मैटर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं ऐसे गवर्नमेंट और आरबीआई को और अदर बॉडीज को, अपने इस इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन देते हैं सारे मैटर्स का। फिर ये इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं कि जिससे उनको नॉलेज बताई जाए इस प्रोडक्ट की और ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, इसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ये स्टडीज़ और रिसर्च भी करता है और जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो ये बाकी स्प्रेड करते हैं, पब्लिश करते हैं वो इंफॉर्मेशन को। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को रेगुलेट भी करते हैं और जो भी वायलेशंस होती हैं उन पे डिसिप्लिनरी एक्शंस उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लेते हैं। तो ये एमफी इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब इस वेबसाइट को कैसे एक इन्वेस्टर यूज़ कर सकता है वो देखते हैं। तो एक टैब होता है इन्वेस्टर कॉर्नर, जिसमें मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें इंफॉर्मेशन आती है। एक तो नॉलेज सेंटर ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स, मतलब कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स, ये उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, वो आप इस टैब के थ्रू देख सकते हैं, विच इज़ इन्वेस्टर कॉर्नर में जाके नॉलेज सेंटर है। फिर एक है इन्वेस्टर सेंटर, ये आपको बताता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जैसे कि केवाईसी फॉर्म, हाउ टू विदड्रॉ योर मनी, कि आप अपना पैसा कैसे निकालें, एसआईपी कैसे करें, नॉमिनेशन कैसे करें, और अगर किसी की डेथ हो जाती है यूनिट होल्डर की तो उसको उसके जो यूनिट्स हैं उसको कैसे क्लेम करें। फिर यहाँ पे फॉर्म्स भी दिए हुए हैं कि जैसे बहुत सारे फॉर्म्स, फिज़िकल फॉर्म्स हम भरते हैं, जैसे केवाईसी फॉर्म्स हो जाते हैं, चेंज इन बैंक अकाउंट होता है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करनी है तो उसका फॉर्म होता है। तो एक ये वाला टैब है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ऑनलाइन सेंटर है जिसमें आप स्कीम्स के बारे में पता कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में पता कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में पता कर सकते हैं, स्कीम्स की एनएवी के बारे में पता कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की मंथली फैक्ट शीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ आता है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें रेगुलरली इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को अलग अलग सिटीज़ पे, कि उनको बताया जाए ये प्रोडक्ट कैसा है। तो यहाँ पे शेड्यूल भी दिया होता है जब आप क्लिक कर सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आप उनको अपनी सिटी में जाके दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जाके अटेंड कर सकते हैं। तो ये थी पहली वीडियो और इसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे कि और क्या क्या इसमें इस वेबसाइट पे ऐसी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्टर अपने बेनिफिट के लिए ये वेबसाइट यूज़ कर सकता है। थैंक यू।